जयपुर एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। गुरुवार को जयपुर में 17 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 6 स्कूली बच्चे हैं। इसमें 4 बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहीं 2 अन्य बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन वे ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं। CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि आज जयपुर में कुल 17 केस मिले हैं। इसमें 4 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसमें झालाना स्थित एक सरकारी स्कूल के 2 बच्चे और भांकरोटा स्थित निजी स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं, हालांकि वे दोनों ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। जयपुर में एरिया वाइज स्थिति देखें तो आज बनी पार्क, सिविल लाइन्स, दुर्गापुरा, जमवारामगढ़, फागी, मानसरोवर और राजा पार्क में 1-1 मरीज मिला है। वहीं मालवीय नगर, महेश नगर में 2-2 केस मिले हैं। 2 दिन पहले जयपुर के अजमेर रोड स्थित जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के 12 बच्चे एक साथ पॉजिटिव मिले थे। इससे पूरे जयपुर शहर में स्कूल संचालकों और पेरेंट्स में हड़कंप मच गया था। इससे पहले भी इसी स्कूल के 3 बच्चे पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं टोंक रोड स्थित SMS स्कूल के भी 2 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा नीजा मोदी स्कूल का भी एक स्टूडेंट पॉजिटिव मिल चुका है। हालांकि वो स्टूडेंट दीपावली के बाद से ऑनलाइन ही क्लास ले रहा था। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। यहां नए शिक्षा मंत्री BD कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर पहले सभी जिलों के कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर से चर्चा करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। नतीजा, राजस्थान में फिलहाल स्कूल पहले की तरह ही खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।